नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में। आपको बता दें कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के बारे में, और फिर देखा था दूसरे लेक्चर में हम लोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में। इसमें बात करते हैं हम लोग 1993 के बारे में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें 2019 तक जो भी अपडेट हुआ है इसमें, वो सभी जानकारी हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो मानव संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभ में सबसे पहले एक अध्यादेश के रूप में लागू किया गया। राष्ट्रपति द्वारा इसे 8 जनवरी 1994 को अनुमति दी गई थी, लेकिन ये लागू इसके लागू होने की तिथि है 28 सितंबर 1993। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश के रूप में इसे लागू किया गया था। कब? 28 सितंबर 1993 में, और 8 जनवरी 1994 को अनुमति दी गई। इस अधिनियम में 8 अध्याय हैं या भाग हैं, 43 धाराएं हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 12 अक्टूबर 1993 को गठित किया गया था। इसके न्यायमूर्ति, पहले न्यायमूर्ति है रंगनाथ मिश्र, और फिर उसके बाद अभी है HL दत्तू, ठीक है, चेयरमैन। 2006 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए और 23 नवंबर 2006 को इसे लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव राजनाथ चौहान वर्सेज कट्टादास मानव अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव अधिकार वे आधारभूत अंतता चिन्हित अपरिवर्तनीय अहस्तांतरित अधिकार हैं जिनका कोई व्यक्ति जन्म लेने के बाद अधिकार होता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भाग एक या अध्याय एक धारा एक के बारे में। यह अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कहलाएगा और ये संपूर्ण भारत में लागू होगा, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा के विशेष राज्य का दर्जा जो दिया हुआ गया था वो खत्म कर दिया गया। अब तो जो सभी राज्यों में प्रावधान लागू होंगे वो जम्मू कश्मीर में भी होंगे, तो संपूर्ण भारत में ये लागू होगा। तो आपको बता दें ये 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। धारा दो में परिभाषाओं से संबंधित है, तो इसमें कुछ धाराएं नहीं दी गई लेकिन वो बता देंगे आप लोगों को, तो सुन लेना अच्छे से, ठीक है। तो दो ए में सशक्त बल की परिभाषा से संबंधित है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना या संघ सरकार से संबंधित अन्य सशक्त बल। फिर दो ए में है सशक्त बल, दो बी में है अध्यक्ष से संबंधित, दो सी में है आयोग, दो डी में है मानवाधिकार की परिभाषा, ठीक है। फिर दो डी के बाद दो ई में है मानवाधिकार न्यायालय की परिभाषा। फिर है दो एम, इसमें राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संविदा। फिर है दो जी में, दो दो जी में है सदस्य, दो जी ए में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर दो एच में है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की परिभाषा। दो एच का में है राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग। आई में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर दो आई ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की परिभाषा। जे में है राष्ट्रीय महिला आयोग। के में है अधिसूचना।
एल में है भेद नियम, एम में है लोक सेवा, एन में है राज्य आयोग। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है किस धारा और कौन से सेक्शन में किसकी परिभाषा है। फिर बात करते हैं हम लोग अध्याय दो के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, धारा 2 से 11 तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं धारा 3 में। धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की बात कही गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। यद्यपि इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एक समिति के अनुसार, उस समिति की सिफारिश पर। अब समिति को देखेंगे आगे। आयोग ने निम्नलिखित पद सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। ये अध्यक्ष 2019 से पहले, एक एक शब्द सुनिएगा, 2019 से पहले उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो वही केवल अध्यक्ष हो सकता था। लेकिन 2019 में जो इसमें संशोधन किया गया है उसमें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या शब्द जोड़ के लिखा गया न्यायाधीश को भी अब अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो याद रखिए, मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश को भी, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्य की बात करें तो जो हाईकोर्ट का पहले, इसमें जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या वर्तमान में हो उसी को अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन इसमें भी जोड़ा गया न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीश को। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, लेकिन इसमें भी जोड़ा गया है एससी का न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश। ठीक है, फिर 3 सदस्य थे, यहाँ 3 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होते थे, यहाँ 3 सदस्य, जिन्हें मानव अधिकारों का अच्छा ज्ञान हो। इन 3 सदस्यों में से एक, कम से कम एक महिला होगी। ठीक है, अन्य सदस्यों की बात करें तो अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जोड़ा गया है, अनुसूचित जाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को, और राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग के आयुक्त को जोड़ा गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को, दिव्यांगत जनों के आयुक्त को, ठीक है, और महिला आयोग के अध्यक्ष को जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ा गया, पहले से कुछ थे ओबीसी और बालक और दिव्यांगत, इन 3 को जोड़ा गया है। पहले एसटीएससी और महिला अल्पसंख्यक आयोग के मुख्य आयुक्त इसके सदस्य होते थे, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग आयोग, बालक अधिकार आयोग और दिव्यांग जनों के मुख्य आयुक्त को भी जोड़ा गया है। इसमें एक सचिव होगा, सीईओ। ठीक है, धारा 4 की बात करते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो याद रखना, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा, सदस्य इसका, केंद्रीय गृहमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा सदस्य, राज्यसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होगा, और राज्यसभा का उपसभापति इसमें शामिल होगा। याद रखिए, सभापति नहीं, उपसभापति इसके सदस्य होंगे इस समिति के। इनमें से कोई सदस्य समिति में अनुपस्थित है तो उस समय उपयुक्त में से किसी भी पद में रिक्ति है तब भी शेष सदस्यों का निर्णय विधि सम्मत माना जाए। फिर आता है धारा 6। धारा 5, अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना एवं त्यागपत्र। तो याद रखिए, अध्यक्ष या सदस्य भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें अलग कर सकता है, किंतु इस संबंध में पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी से जांच कराएगा। राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधार पर हटाया जाएगा, दिवालिया होने पर अथवा किसी दूसरे वैतनिक रोजगार में लिप्त होने पर, मानसिक या शारीरिक असक्षमताओं पर, विकृत चित्त के होने पर, नैतिक पतन होने पर या अपराध की सजा होने पर। धारा 6, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। तो बता दें, अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण से पहले 2019 के पहले 5 वर्ष की अवधि और 70 वर्ष की आयु की थी। लेकिन याद रखिए, 2019 में जो संशोधन किया गया है उसमें 3 वर्ष
की अवधि कर दिया गया और 70 वर्ष की आयु जैसी की तैसी है, तो 3 वर्ष अब याद रखना। और पुनः नियुक्त के पात्र होंगे, पहले पात्र नहीं होते थे, लेकिन 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें पुनः नियुक्त की नियुक्ति हो सकती है इनकी। सदस्यों का कार्यकाल पहले 5 साल होता था लेकिन अब 3 वर्ष होगा, और 70 वर्ष इनकी आयु जो पहले हो, इन्हें भी पुनः नियुक्त के पात्र होंगे। ठीक। धारा 7, कुछ परिस्थितियों में सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का निर्वहन, कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्ष या पद के निर्वहन हेतु निर्देशित कर सकते हैं। अध्यक्ष की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर अध्यक्ष त्यागपत्र दे अथवा अन्य वजह से पद रिक्त हो, अध्यक्ष अवकाश पर चला जाए। धारा 8 में अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाएंगे। इनकी नियुक्ति के पश्चात उसमें उनमें अलाभकारी रूप से परिवर्तन नहीं किया जाएगा। धारा 9, रिक्तियों के बावजूद भी आयोग की कार्यवाही विधिमान होगी। आयोग की किसी कार्यवाही को इस आधार पर अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि उस समय किसी सदस्य का पद रिक्त था। धारा 10, प्रक्रिया का स्थल एवं कार्यक्रम, आयोग ऐसे स्थान या समय पर बैठक करेगा जो उसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए। साथ ही आयोग को अधिनियम के अधीन ही अपनी प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की स्वतंत्रता होगी। धारा 11 में आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी, महासचिव जो भारत सरकार में एक सचिव स्तर का अधिकारी हो, एक प्रमुख पुलिस अधिकारी जो पुलिस महानिदेशक रेंज का हो, DGP, इसके अधीन अन्य पुलिस एवं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्य प्रशासनिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ जो आवश्यक हो। फिर आता है भाग 3, आयोग के कार्य एवं शक्तियां। तो धारा 12 में आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा, स्वप्रेरणा से अथवा पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका या न्यायालय की किसी निर्देशन पर मानवाधिकार के उल्लंघन या दुष्प्रेरण की जांच करेगा। साथ ही किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन रोकने में की गई लापरवाही की जांच करेगा। किसी न्यायालय में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन मामले में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकेगा। किसी राज्य सरकार की अनुमति से उसके नियंत्रण में स्थापित किसी जेल में सुधार या संरक्षण गृह आदि वहां रह रहे लोगों की जीवन दशा की जांच के लिए बगैर किसी पूर्व अनुमति के निरीक्षण कर सकता है। साथ ही सरकार को आवश्यक सिफारिश भी दे सकता है। वे सभी कार्य जो मानवाधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं उनके निरीक्षण के लिए सिफारिश करेगा। मानवाधिकारों पर संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेगा। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। मानवाधिकार साक्षरता बढ़ाने का प्रयास करेगा। इस संबंध में लोगों को जागरूक करेगा। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले NGO एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन देगा। फिर धारा 13, जांच के संबंध में शक्तियां। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के समस्त मामलों के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियां दी गई। वह गवाहों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने, किसी भी दस्तावेज को खोजने या प्रस्तुत करने, संबंधी भवन में जांच करने या प्रवेश करने वाली आदि की शक्ति रखता है। आयोग की प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही के रूप में मानी जाएगी। IPC की धारा 176 और 77 के अंतर्गत यह बाध्यकारी होगी। साथ ही अभियुक्त को आयोग की मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा दिया गया है और राज्य मानवाधिकार आयोग किसी भी मामले में इस प्रकार का कृत्य करेगा जैसे वह प्रारंभ में भी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। धारा 14, अन्वेषण जांच से संबंधित है। आयोग जांच से संबंधित, आयोग भारत सरकार या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उसकी किसी अन्वेषण या जांच एजेंसी की मदद प्राप्त कर सकता है। साथ ही जांच एजेंसी को समय समय पर रिपोर्ट आयोग को भेजने के लिए निर्देशन दे सकता है। फिर धारा 15 में आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा दी गई गवाही, आयोग के समक्ष व्यक्ति द्वारा दी गई गवाही केवल झूठी गवाही को छोड़कर के लिए उस पर किसी सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। फिर 16, धारा 16, प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना पर व्यक्ति की सुनवाई। यदि आयोग किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जांच करना आवश्यक समझता है किंतु उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है तो उस व्यक्ति को अपने बचाव का उचित अवसर प्रदान करेगा, किंतु यह बात आरोपी पर लागू नहीं होगी। फिर भाग 4, प्रक्रिया।
तो धारा 17 में शिकायतों की जांच, आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करते समय भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकार या संगठन से एक निर्धारित समय में सूचना मंगवा सकता है। धारा 18 में जांच के दौरान और उसके पश्चात कदम, जांच के दौरान यदि मानवाधिकार का उल्लंघन या किसी लोक सेवक द्वारा अथवा उसकी लापरवाही द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पाया जाता है कि वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को शिकायत करता है या उसके परिवार या पीड़ित को उचित हर्जाना देने की और आरोपी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। साथ ही वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से ऐसे आदेश, निर्देश, रिट जारी करने का आग्रह कर सकता है जो वह न्यायालय आवश्यक समझे। साथ ही पीड़ित या उसके परिवार को अंतरिम धनराशि उपलब्ध कराएगा या इस संबंध में सिफारिश करेगा। इसके साथ ही वह अपनी जांच की एक पिति आवश्यक सिफारिश के साथ एक माह के भीतर सरकार या अथवा संबंधी प्राधिकरण को भी भेजेगा। धारा 19 में सशक्त बलों के संबंध में प्रक्रिया है। आयोग या तो सौपेरण से याचिका दायर होने पर सशक्त बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत को निपटाने के लिए भारत सरकार से पहले एक प्रतिवेदन रिपोर्ट बुलवाएगा। इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद या तो वह शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा या फिर यथास्थिति पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार उस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को 3 माह अथवा आयोग द्वारा स्वीकृत समय सीमा के अंदर सूचना आयोग को भेजेगा। इसके साथ ही आयोग अपने प्रतिवेदन सरकार को भेजी गई सिफारिशों और सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार अपनी यथास्थिति को संसद या राज्य विधायिका के दोनों सदनों में विस्तृत करेगा। धारा 20 आयोग का वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन। आयोग केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जो कि सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाएगी। भाग 5 राज्य मानवाधिकार आयोग। धारा 21 मानवाधिकार आयोग का गठन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिसमें 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष, इसमें भी याद रखिए इसमें भी बदलाव किया गया है 2019 में, जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, पहले 2019 से पहले जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो उसी को केवल अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन अब 2019 में जो जुलाई में संशोधन हुआ उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को भी अब अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्य की बात करें तो एक सदस्य जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो अथवा रहा हो जिला न्यायालय के रूप में, न्यूनतम 7 वर्ष के अनुभव के साथ जिला न्यायाधीश हो या रहा हो, इसे भी एक अन्य सदस्य जिसे मानवाधिकार का अच्छा ज्ञान हो। राज्य आयोग एक सचिव भी होगा, आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहा जाएगा। राज्य आयोग के कार्यकाल का स्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगा। 2 या अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से उत्तर दोनों आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का दायित्व प्रदान कर सकती है। राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची 2 और 3 के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन मामलों की जांच करेगा। धारा 22 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, याद रखिए तो इसमें भी बदलाव किया गया है। अध्यक्ष 8 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इनमें निम्न सदस्य होंगे, मुख्यमंत्री होगा इसका अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष होगा इसका सदस्य, गृह मंत्री इसका सदस्य होगा और विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। साथ ही यदि उस राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व है तो उसका सभापति और विपक्ष का नेता भी इसमें सदस्य शामिल होंगे। धारा 23 में अध्यक्ष एवं सदस्यों का हटाया जाना। अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र हटाना, सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं किंतु उसे हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होगा। उसके लिए वह प्रक्रिया होगी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अपनाई जाती है। फिर 24 में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, तो याद रखना 3 वर्ष और 70 साल जो भी पहले हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसा। कुछ परिस्थितियों में 25 धारा 25 में कुछ परिस्थितियों में सदस्यों के अध्यक्ष के रूप में काम करना नियुक्ति राज्यपाल करेगा। NHRC की तरह 26 धारा 26 में आयोग एवं सदस्यों की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। धारा 27 में अन्य अधिकारी कर्मचारी होंगे, एक सचिव जो राज्य सरकार के अंतर्गत सचिव रैंक का अधिकारी हो,
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस महानिरीक्षक आईजी रैंक का हो, अन्य कर्मचारी जो आवश्यक सभी के वेतन भत्ते राज्य सरकार निर्धारित करेगी। धारा 28 आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन। राज्य आयोग राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे राज्य सरकार विधानमंडल में प्रस्तुत करेगी। धारा 29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ उपबंधों का राज्य आयोग पर लागू होना, जैसे धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के उपबंध। त्रय भाग 6 धारा 30 से 31 मानवाधिकार न्यायालय। धारा 30 मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों में शीघ्र विचारण हेतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर प्रत्येक जिले में मानवाधिकार उल्लंघन अपराध पर विचार के लिए एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में गठित करेगी। धारा 31 विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकार न्यायालय के लिए एक विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी, जिसे अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो। भाग 7 वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षा। धारा 32 केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। केंद्र सरकार संसद द्वारा पारित अनुदान को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों के लिए स्वीकृत करेगी। फिर है धारा 33 राज्य सरकार द्वारा अनुदान। राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा स्वीकृत धनराशि को राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों के लिए प्रदान करेगी। धारा 34 लेखे एवं लेखा परीक्षक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक वित्तीय विवरण भारत के सीएजी के नियंत्रण में तैयार करेगा, साथ ही सीएजी से लेखे का लेखा परीक्षण भी कर सकेगा एवं सीएजी रिपोर्ट जो संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी। धारा 35 में राज्य आयोग का लेखा एवं लेखा परीक्षक है। राज्य आयोग के लेखे एवं लेखा परीक्षक राज्य मानवाधिकार आयोग सीएजी के नियंत्रण में अपने वार्षिक लेखे और लेखे तैयार करेगा। सीएजी इनका लेखा परीक्षण भी कर सकेगा। वह इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल की प्रस्तुत की जाएगी। भाग 8 है विभिद। तो इसमें धारा 36 भी मामले जो आयोग की का अधिकारिता में नहीं आते, आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा जो कि वर्तमान राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग में लंबित पड़े हो। साथ ही आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है जहां मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन के एक वर्ष बीत चुका है, इसके बाद मामला प्रस्तुत किया गया। धारा 37 में विशेष अन्वेषण दल का गठन। सरकार आयोग की सलाह पर आयोग की जांच प्रक्रिया के अंतर्गत एक या अधिक जांच समिति का गठन कर सकती है। धारा 38 में सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण। भारत सरकार राज्य सरकार या एसएचआरसी अथवा उसके अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उसके द्वारा सद्भावना के लिए की गई किसी भी कार्यवाही के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। धारा 39 सदस्य एवं अधिकारियों का लोक सेवक होना। आयोग के सदस्यों एवं आयोग द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को आईपीसी की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। धारा 40 भारत सरकार के नियम बनाने की शक्ति। भारत सरकार के अधीन उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी, जिन्हें यथाशीघ्र कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 40 बी में के अंतर्गत आयोग को केंद्र सरकार की अनुमति से भी नियम बनाने की शक्ति। धारा 41 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति राज्य के संबंध में यह धारा 40 की तरह रहेगा। फिर 42 कठिनाइयों को समाप्त करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने का कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो भारत सरकार इसके निवारण के लिए आवश्यक प्रयास कर सकती है, किंतु इसे कोई आदेश अधिनियम लागू होने की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के बाद लागू नहीं किया जा सकते। धारा 43 लास्ट धारा निरसन मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश उचित विधि द्वारा निरस्त किया जा सकता है, किंतु निरस्त होने पर अधिनियम के अधीन की गई पूर्ववर्ती कार्यवाही अवैध नहीं की जाएगी। मानवाधिकार की सार्वभौमिक उद्घोषणा। संयुक्त राष्ट्र की सभा में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार संबंधी सार्वजनिक घोषणा की स्वीकार किया गया, तभी से 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उद्घोषणा में उद्देश्य का प्रस्ताव है, जिसमें 30 एक्ट हैं, 2 से 31 अनुच्छेद में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार की चर्चा है और 22 से 27 में आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार। तो याद रखना 2 से 21 में
नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार और आर्थिक और सामाजिक 227 में। सार्वभौमिक घोषणा के कुछ अनुच्छेद तो आर्टिकल 3 में प्राण एवं स्वतंत्रता, देख सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, 4 में दासता के विरुद्ध अधिकार, 7 में विधि के समक्ष समानता और विधि संरक्षण का अधिकार, 11 में अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में शांतिपूर्वक सम्मेलन संगठन की स्वतंत्रता, 22 में सामाजिक सुरक्षा का, 26 में शिक्षा का अधिकार और 29 में स्वतंत्रता पर सीमाएं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति छूट वहीं तक है जहां दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संविधा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 16 दिसंबर 1966 को मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा को स्वीकार किया, जिसमें दो भाग हैं, नागरिक एवं अधिकारों पर आईसी 1966 जो कि 22 मार्च 1976 को लागू की गई है। भारत ने इस पर 1979 में हस्ताक्षर किए। सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों पर आईसी 1966 जिसे 3 जनवरी 1975 में लागू किया गया। महासभा ने 15 दिसंबर 1989 को इसके अंतर्गत एक अन्य प्रोटोकॉल स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने का प्रावधान था। यह प्रोटोकॉल 11 जनवरी 1991 को लागू हुआ। नागरिक एवं राजनीतिक संविधा के प्रमुख अनुच्छेदों की बात करें, 53 अनुच्छेद हैं जिसमें 6 भाग हैं। आर्टिकल 6 प्राण एवं जीवन का अधिकार, आर्टिकल 7 में अमानवीय व्यवहार से संबंधित, आर्टिकल 8 में दासपिता बालश्रम से स्वतंत्रता, आर्टिकल 16 में विधि के समक्ष समता और आर्टिकल 21 में शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार और 22 में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 24 में प्राण बच्चों शिशु एवं बालकों के अधिकार की संरक्षण, 27 में अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो ये था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, तो ये तीनों खत्म कर चुके हैं। अब आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग पढ़ें और अच्छे से पेपर दें। ठीक है।